नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 99 में और हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से नरेंद्र सिंह जी, जो कि प्रदेश प्रधान महासचिव के पद पे जेडीयू में कार्यरत हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बदरपुर विधानसभा की कुछ अन्य समस्याओं के लेके, कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेके। सर, आपका हुंकार 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महेंद्र जी, आपका भी और आपके मीडिया चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी हाल ही में आप ही की पार्टी के संजीव झा जी, जो कि जेडीयू का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, संजीव झा हमारी पार्टी में कभी नहीं थे, उनके पास आज तक कोई लिखित प्रूफ नहीं है, कोई लिखित सबूत नहीं, यहाँ तक कि 5 रुपए की जो पर्ची कटती है सस्ता शुल्क की, वो भी उनके पास नहीं है। ये तो खामखा जो है जेडीयू का नाम लेकर के जेडीयू को बदनाम करने के लिए कि मैं जेडीयू में था, पदाधिकारी था। मैंने भी 2-3 दिन से बातें मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सब गलत है, टोटल गलत है। हमारे यहाँ कभी किसी पद पर नहीं थे वो, इसलिए वो कहाँ पर हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, इसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी कभी पदाधिकारी नहीं थे, उनके पास कोई लिखित सबूत नहीं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया 60 फुटा रोड पर, जितने भी जैतपुर और बदरपुर विधानसभा के जितने पदाधिकारी थे सबको प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सबको एक एक लेटर दिया गया। संजीव झा दिखाएं कि उनके पास कोई लेटर हो तो, या उनके पास 5 रुपए की सस्ता शुल्क वाली पर्ची ही हो वो दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। ये खाली जो गुमराह करने की कोशिश है, हमको सुनने में भी आया, मैंने पेपर कटिंग देखा कि वो चले गए, यहाँ के जो है बीजेपी वाले कुछ लोग जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको लेके गए बीजेपी ऑफिस में मनोज तिवारी जी के साथ, उनको बीजेपी ज्वाइन कराया कह करके कि वो जो है जेडीयू का एक नेता बीजेपी में शामिल हो गया। हमको तो बड़ा तरस आता मनोज तिवारी जी पर कि अगर उनको ये पता था कि ये आदमी कभी भी एक दिन के लिए ही सही या झूठ मूठ चर्चा में ही सही अगर है जेडीयू में, तो मनोज तिवारी जी को शामिल नहीं करना चाहिए था। उनको पहले जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि आदमी कौन है, इसका राजनीतिक स्तर क्या है, इसका सामाजिक स्तर क्या है, किस तरह का आदमी है। उन्होंने पट्टा पहना दिया, खुद अपने हाथों से गुलदस्ता दे दिया। देखो, हमारी पार्टी का गठबंधन है बिहार में, दिल्ली में तो नहीं है लेकिन बिहार में हमारी पार्टी अलायंस में है। अगर हम बीजेपी के लोगों को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करेंगे, बीजेपी वाले हमारे लोग को तोड़ने की कोशिश करेंगे, वैसे एक बात मैं फिर साफ कर देना चाहता हूँ कि संजीव झा हमारी पार्टी के किसी भी पद पे नहीं थे, लेकिन जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है उस तरह से मनोज तिवारी के इस कृत्य को देख कर हमें बड़ा ही असंतोष लगा, हमको बहुत ही खराब लगा कि उनको जाँच पड़ताल कर लेना चाहिए। अगर उनको पता लगाया गया, जैसे पेपर में निकाला गया, उन्होंने ही निकलवाया होगा, प्रदेश स्तर के सम्मानित नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली के सांसद भी हैं, न्यूज़पेपरों में उनका जान पहचान भी, उन्होंने निकलवा दिया होगा, तो उनको जांच पड़ताल करके कि किस आदमी को हम ज्वाइन करा रहे हैं बीजेपी में अपने ही थ्रू, जबकि एक उनका स्तर है मनोज तिवारी जी का, उस स्तर को उन्होंने ध्यान में न रखते हुए जो पेपर में निकलवा दिया, ये बहुत ही दुख की बात है और ये शायद बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। संजीव झा के साथ किसी पत्रकार का नाम भी और शामिल किया जा रहा है, पत्रकार का नाम भी सामने खुल के आ रहा है, आखिर क्या मामला है, क्या जरा बताएंगे? एक पत्रकार है, पत्रकार तो उनको नहीं कहा जा सकता अगर आदमी में पत्रकारिता नहीं है। अपने पत्रकारिता में जो गुण होना चाहिए उस गुण से आदमी दूर है तो उसको पत्रकार नहीं कहना चाहिए, लेकिन नाम आ रहा है संजीव झा करके हैं। तो अब लोग लिए रहते हैं माइक और जाके किसी का भी इंटरव्यू ले लेते हैं, 200-400 रुपया आदमी दे देता है। यही हमने भी सुना है कि संजीव झा जो अपने को जेडीयू का पदाधिकारी बताते हैं और दूसरे भी वो भी संजीव झा ही हैं, मतलब दोनों संजीव झा हैं, दोनों ही संजीव झा हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू लेकर के और यूट्यूब पे डाल दिया है। तो जो संजीव झा पत्रकार हैं वो तो खुद ही हमने सुना है कि जमानत पे चल रहे हैं और कई जगह से वांटेड हैं पत्रकार होते हुए, और दूसरे संजीव झा जो अपने को बताते हैं कि मैं जेडीयू में पदाधिकारी था, तो वो फरीदाबाद में रहते हैं, दिल्ली में उनकी रिहाइश नहीं है। जो आदमी दिल्ली में नहीं रहता है, दिल्ली का अध्यक्ष उसको पदाधिकारी बना ही नहीं सकता और बाहर का आदमी दिल्ली में पदाधिकारी बन ही नहीं सकता, तो पदाधिकारी बताने वाला भी झूठा है
और वो पत्रकार भी झूठा है कि जो कह रहा है कि ये जो है पदाधिकारी जेडीयू में थे। हमारी पार्टी बहुत ही निष्पक्ष लोगों को रखती है, इसमें चोर उचक्के या किसी के ऊपर कोई केस हो, कोई किसी तरह का कुकृत्य में फंसा हो, कुछ हो, इस तरह से हमारी पार्टी में लोगों को पदाधिकारी क्या 5 रुपये का प्राथमिक सदस्य भी नहीं बनाया जाता। जो भी सदस्य बनते हैं सब भारत के ठीक ठाक नागरिक होते हैं। जिस तरह से हमारा अध्यक्ष है राष्ट्रीय, उसी तरह से हमारे यहाँ के कार्यकर्ता भी हैं। तो बातें सरासर गलत हैं। रही बात ये संजीव झा जो पत्रकार की बात है, इनको भी मैंने कई बार कई लोगों से सुना है कि ये लोगों से पैसा वैसा ले करके इधर उधर और कहते हैं कि मैं तुम्हारा टीवी में निकलवा दूंगा, इंडिया टीवी में निकलवा दूंगा, मैं जी न्यूज़ में रहता हूं, मैं आज तक में रहता हूं, ऐसा है वैसा है। एक सब झूठे लोग हैं, बकवास करते हैं। और आपको मैं भी बता दूं कि हमने सुना है, लेकिन सच्चाई क्या है मैं सच्चाई को चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए कि जिसका हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन ये भी जो है जमानत पे ही चल रहे हैं। तो ऐसे पत्रकार को कि पत्रकारिता पर क्या विश्वास करोगे। इसलिए दोनों बातें जो हैं एकदम गलत हैं। ऐसे आदमी का जो आप कह रहे हो कि सुनाई दे रहा है कि एक पत्रकार हैं, उनको मैं पत्रकार किसी भी एंगल से नहीं मानता। सर, अगर बात करी जाए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय जी की, जब से उनको दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उनका नेतृत्व जब से दिल्ली को मिला है, क्या कहेंगे आप? जो कार्यकर्ता पार्टी से अलग थे, अलग थलग पड़े थे, क्या वो उनको साथ लाने में कामयाब रहे दिल्ली प्रदेश में? बहुत ही दयानंद राय जी जब से बने हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, बहुत से लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया, विभिन्न पार्टियों के लोग जो है हमारी पार्टी में आ करके ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर ले रहे हैं, हम लोगों ने दिया भी। लेकिन जिस तरह से मनोज तिवारी जी ने किया, हम लोग किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, जो लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं किसी का कोई जोर दबाव नहीं। हमारी पार्टी को देखते हुए, हमारे राष्ट्रीय नेता को देखते हुए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय नेता श्री नीतीश कुमार जी जो हैं इतने बेदाग छवि के नेता हैं कि आज हिंदुस्तान में एकमात्र वही एक ऐसे नेता हैं कि जिनके ऊपर एकदम किसी प्रकार का एक नए पैसे का कोई उनके ऊपर ब्लेम नहीं है। जीरो टॉलरेंस पर चलने वाले नेता केवल वही हैं, बदले की प्रतिशोध की उनके अंदर कोई भावना नहीं है। बिहार में जब गठबंधन की सरकार थी आरजेडी के साथ, तो जब तेजस्वी के ऊपर भी ब्लेम लगा तो उन्होंने उनको कई मौके दिए कि अपना साबित करो कि तुम जो है निर्दोष हो। जब वो नहीं साबित कर पाए और उन्होंने बातों पर ध्यान नहीं दिया, तब जाके उन्होंने अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो हमारे नेता ही एक ऐसे नेता हैं कि जिनका एक अलग व्यक्तित्व है, एक अलग छवि है, उसको देखते हुए लोग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उसी के साथ साथ बहुत ही खुशी की बात है कि दयानंद राय जी जैसा एक प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली को आके अब मिला, कि जो सबको साथ में लेकर चलने वाले नेता हैं, सबसे ठीक तरह से मिलते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं। इसको देख करके लोग प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद ये तो हमेशा से आप देखते होंगे कि जब कोई किसी से प्रभावित होता है तो उसे जुड़ने की कोशिश करता है। सर, अगर बात करी जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, केजरीवाल जी की, अभी हाल ही में उन्होंने बदरपुर में आके 38 अनऑथराइज कॉलोनी का उद्घाटन किया था, लेकिन उसमें कहीं भी सीवर का नाम नहीं था। बदरपुर को इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरत जो है सीवर लाइन की है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? केजरीवाल जी एक ठगवाल नेता हैं, वो हमेशा ठगने की राजनीति करते रहे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने गुरु अन्ना जी को ठगा, उन्हीं के द्वारा प्रायोजित आंदोलन से पैदा हुए और अन्ना जी को साइड करके ये पार्टी बना लिए, राजनीति में आ गए। अन्ना जी ने कहा था कि राजनीति कीचड़ है, तो इन्होंने कहा कि मैं कीचड़ में घुस के कीचड़ साफ करूंगा। कीचड़ क्या साफ करेंगे, वो कीचड़ में घुसते चले जा रहे हैं। ये बदरपुर में जो आए, यहाँ सबको पता है कि रोड नाली बनी हुई है, अब उसी के ऊपर दोबारा फिर रोड नाली बनाना सरकारी पैसों का दुरुपयोग है। जो हमारे टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार को मिलता है, उस पैसे को वो आग लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सीवर बहुत सबसे ज़रूरी समस्या थी, जब तक सीवर लाइन नहीं बढ़ेगी
तब तक इन कॉलोनियों का उद्धार नहीं होगा, तब तक हम यहाँ के रहने वाले लोग, हम भी उन्हीं में से हैं, हम लोग सम्मानजनक ज़िंदगी नहीं जी सकते। लेकिन केजरीवाल जी जो आके 38 कॉलोनियों का में नाली और उस रोड का उद्घाटन करके गए हैं, सब एकदम बकवास है, सब सरकारी पैसों की बर्बादी है, सब लूट खसोट करके, और इलेक्शन आ रहा है, सब अपना झोली भरने के चक्कर में है। सिविल लाइन के ऊपर जो उनको फोकस करना था, जो काम करवाना था, उस पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो उनका आना एकदम निरर्थक था, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सर, अगर बात करें ओजोन की, बदरपुर विधानसभा में लगभग 10-12 साल से ओजोन लगा हुआ है। एक गरीब आदमी अपने 25 गज का मकान बनवाना तो दूर, उसकी मरम्मत तक नहीं करवा पाता, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ओजोन नामक जो अभिशाप बदरपुर के क्षेत्र को लगा हुआ है, ये बहुत ही दुखद समस्या है। बहुत से लोग लगे हुए भी हैं ओजोन को ख़त्म कराने के लिए, तो कभी मामला NGT में चला जाता है, और जब NGT में जाता है तो उसके पीछे भी लोग लगे हुए हैं, वो लोग ले जा करके वहाँ पर पहुँचा देते हैं। हमारे पीछे के दो पूर्व विधायक श्री रामवीर सिंह भिधोड़ी जी और श्री राम सिंह नेता जी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। एक कहते हैं कि इन्होंने लगवाया, दूसरे कहते हैं कि इनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन जिसने भी जैसे भी लगा, जो भी किया, लेकिन बदरपुर की जनता को एक ऐसा अभिशाप दे के चले गए कि यहाँ के लोग अपनी गाढ़ी कमाई का, खून पसीने से इकट्ठा किए हुए पैसे से 20 गज 25 गज जगह खरीदते हैं, अपने बच्चों का पेट काट के, उनकी पढ़ाई न करवा करके, गरीबी से आ करके अपने पेट को पालते हुए जो 20 25 50 गज का प्लाट खरीद के घर बनाने नहीं पा रहे हैं। अगर घर बन गया है और टुकड़ी पर बना हुआ है तो उसमें से पानी का रिसाव हो रहा है, तो उसको ठीक भी नहीं करवा पाते। रोज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर मकान तोड़े जाते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं, कभी खड्डा कॉलोनी में, कभी जैतपुर पार्टोन में, कभी मीठापुर में, कभी कहीं, कभी सौरभ बिहार में, रोज़ कहीं ना कहीं पुलिस का दस्ता, MCD का दस्ता आके तोड़ता है। और इसमें दोनों ही दोषी हैं, जो पहले के पूर्ववर्ती दो विधायक थे वो तो दोषी है ही हैं, वर्तमान विधायक और वर्तमान MCD भी दोषी है। MCD जो है दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाती है, दिल्ली सरकार MCD के ऊपर आरोप लगाती है, वो BJP की है, BJP की केंद्र में सरकार है। अब वो जोन नामक जो ये बीमारी है, इसको हमारे नीतीश जी ने भी संज्ञान में लिया है, हम लोग भी इसके पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपको आश्वस्त आज करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो जोन को हम लोग खत्म करा के रहेंगे। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है क्या क्या समस्याएं बदरपुर विधानसभा में हैं जिनका समाधान होना चाहिए और विधायक के द्वारा पिछले 4 साल में उनका समाधान नहीं हुआ है? ऐसी कौन कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए नाली सड़कों के अलावा? देखिए, नाली सड़कों के अलावा सबसे पहली समस्या तो अस्पताल की है। यहाँ पर बहुत पूर्व एक अस्पताल का शिलान्यास भी हो चुका था, नारियल भी फोड़ दिया गया था, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के क्षेत्र की गरीब जनता अपने बच्चों का और अपना इलाज कराने के लिए तड़पती रहती है, बहुत से लोग बिना दवाई के मर जाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो जो है किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकें। एम्स में जाने के लिए वहाँ पर भर्ती नहीं हो पाती, उनकी इतनी पहुँच नहीं है। दूसरी समस्या है यहाँ पर ओजोन की, जो कि अभी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ कि ये अभिशाप जब तक इस क्षेत्र से ख़त्म नहीं होगा, यहाँ की जनता को कभी सुख नहीं मिल पाएगा, वो चैन की नींद नहीं सो सके। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। ट्रैफिक की समस्या जो है, इसमें भी MCD भी दोषी है और दिल्ली सरकार भी दोषी है। आपने देखा होगा आते जाते बदरपुर मोड़, जैतपुर मोड़ पर बदरपुर में ऑटो वाले इस तरह से सड़क को घेर कर खड़े रहते हैं कि ना वहाँ पे कुछ पुलिस बोलती है और ना जो है कोई सरकार का पदाधिकारी बोलता है। लौकुश चौक पर आप चले जाइए तो 3-3 घंटे कभी कभी जो है यहाँ पर जाम लग जाता है, चारों तरफ से जो है पब्लिक चलती है। यहाँ पर तो अब एक रेड लाइट बनना बहुत ज़रूरी हो गया है लौकुश चौक पर, अन्यथा ये समस्या और ही विकराल होती चली जाएगी। इन चीज़ों को विधायक को संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन हमारे विधायक श्री नरेंद्र शर्मा जी भी जो है खाली
झूठा प्रचार अपना करवाते हैं, इलेक्शन के लिए अपना जमीन तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ की जनता बहुत जागरूक हो गई है। वो जानती है कि कौन काम करवा रहा, कौन काम नहीं करवा रहा। समय आने पर जनता जवाब देगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हुंकार 24/7 को अपने कीमती समय दिया। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने नरेंद्र सिंह जी से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात की। उनका यही कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, वो नालियों और सड़कों का किया गया है। नालियाँ सड़कें तो हर कोई नेता आता है वो भी बनवाता है, लेकिन जो बदरपुर में सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन की, सीवर लाइन का केजरीवाल जी के द्वारा कोई भी उद्घाटन नहीं किया गया। और सबसे ज़्यादा जरूरत बदरपुर विधानसभा क्षेत्रवासी के लोगों को सीवर की है, क्योंकि यहाँ पे जब भी बरसात होती है पानी नालियों से ओवरफ्लो होकर रोड पे आ जाता है। पानी की यहाँ पे कोई भी निकासी नहीं है। फिलहाल आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।